लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। जिलों में भाजपा इस संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर भाजपा हाईकमान ने राय साफ की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पार्टी के मंडल अध्यक्ष सांसदों और विधायकों की मर्जी से नहीं बदले जाएंगे, बल्कि सांसद विधायकों की राय के आधार पर मंडल अध्यक्षों को बदला जा सकेगा। दरअसल बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी सीधे तौर पर संपर्क में रखना चाहती है। ऐसे में जिलों में संगठन में होने वाले बदलाव को भी पार्टी हाईकमान सीधे तौर पर हैंडल करना चाहता है। सांसद विधायकों की दखलंदाजी संगठन में ज्यादा ना हो, इसके लिए पार्टी हाईकमान ने साफ संकेत दे दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि जिलों में पार्टी के मंडल अध्यक्ष सांसदों और विधायकों की मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी राय शुमारी के बाद बदले जाएंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए, जिला अध्यक्ष उसे जिताने में पूरी ताकत लगा दें। प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सांसद मंडल अध्यक्षों की सूची दें तो उन्हें ही घोषित कर दिया जाए, लेकिन मंडल अध्यक्ष और जिला टीम में बदलाव स्थानीय सांसद और विधायक की सलाह से किया जाए। भूपेंद्र चौधरी ने 98 में से 68 संगठनात्मक जिलों में बीते दिनों नियुक्त जिलाध्यक्षों को टीम में आंशिक बदलाव करने की हरी झंडी दे दी है। वहीं जिन 30 जिलाध्यक्षों को दूसरी बार मौका मिला है, उन्हें मौजूदा टीम से ही चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक है, इसलिए मौजूदा टीम भी तब तक काम करती रहेगी। कहा कि दिसंबर से जिलों में बड़े नेताओं के प्रवास और बैठकों का दौर शुरू होगा। पार्टी को बूथ स्तर तक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रखना है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब बड़े पैमाने पर जिला प्रभारी बदले गए हैं। जिलों से लेकर मंडल की नई टीमें भी जल्द बनाई जाएंगी। राज्य के 80% बूथों पर नई कमेटियों का गठन कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। वहीं निष्क्रिय बूथ कमेटियों का दोबारा गठन किया गया है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बैठक में कहा कि वोटर चेतना अभियान के तहत 25 और 26 नवंबर और 2-3 दिसंबर को विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट जाएं। प्रत्येक बूथ और विधानसभा क्षेत्र पर मतदाता बढ़ाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करना है। संगठन महामंत्री ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश में लोकसभा चुनाव का अभियान तेजी से शुरू हो जाएगा। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को 3 दिसंबर तक मंडल और जिला टीमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश करने को कहा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 15% नए प्रभारी बनाए हैं, वहीं 85% मौजूदा प्रभारियों के जिले बदले गए हैं। कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के बीच मनमुटाव के चलते भी प्रभारी बदले गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ जिला अध्यक्षों की ओर से जिलों की टीम में बदलाव के लिए सूची बनाने पर नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि संगठन के कामकाज में सहयोग के लिए भाजपा सांसद विधायकों को जुटाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन पार्टी में फेरबदल के लिए सांसद विधायकों की मर्जी को चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हाईकमान का मानना है कि पार्टी के पदों को लेकर सांसद विधायक केवल अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन संगठन के किसी भी पद में फेरबदल का फैसला हाईकमान ही तय करेगी।